हेलो एवरीवन, हाउ आर यू। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, जैसा कि आज आपका 22 अप्रैल है, 22 अप्रैल से जितने भी आपके करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, सारे सारे विथ एक्स्ट्रा फैक्ट क्लियर कराऊंगा। दोस्तों, आज का आपका पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे कब मनाया जाता है। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एवं इनोवेशन डे कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मित्रों 21 अप्रैल। 21 अप्रैल को वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाया जाता है। देखिए, क्रिएटिविटी का मतलब समझ में आ रहा होगा कि रचनात्मक। देखिए, मनुष्य के बौद्धिक में यानी बुद्धि में यानी उसके मस्तिष्क में कुछ रचनात्मक प्रतिक्रियाएं चल रही होती हैं, तो उनको बढ़ावा देने के लिए ये डेज मनाया जाता है। देखिए, इसके बारे में और कुछ जानकारी है जो मैं देना चाहूँगा, ये आपका 25 मई 2001 से ये दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे के रूप में मनाया गया और अभी 21 अप्रैल को ये दिवस मनाया गया है। देखिए, इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि कौन सा जो संस्थान है इसको मनाता है। यूनाइटेड नेशन UN मनाता है इस वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे को। और UN की बात मैं करूँ तो 24 अक्टूबर 1945 को UN की स्थापना हुई थी। वर्तमान में इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। वर्तमान में इसके CEO और MD आपके एंटोनियो गुटेरेस जी है। और एंटोनियो गुटेरेस कहाँ के हैं, तो ये आपके पुर्तगाल के हैं। तो इतनी सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट कराई एक क्वेश्चन के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस राज्य में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ हुआ है। किस राज्य में ई संजीवनी OPD जहाँ पे दवाइयाँ वगैरह मिलती है ना, का शुभारंभ हुआ है, तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में ई संजीवनी OPD का शुभारंभ किया गया है। क्यों किया गया? कोरोना वायरस के चलते हुए लोग अपना चेकअप वगैरह नहीं करा पा रहे हैं, तो इस माध्यम से ई संजीवनी के माध्यम से वो फ्री ऑफ कॉस्ट अपना चेकअप करा पाएंगे OPD जाके, या फिर डॉक्टर्स खुद आके उनके घर पर चेकअप कर देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। ये एक बहुत बड़ी योजना है, बहुत बड़ी राहत कार्य है लोगों के लिए। और इसी में मैं बताना चाहूँगा आपको, हिमाचल प्रदेश में आपका एक एक्टिव केसेस ऑफ FC चला हुआ था, जो कि आपको कोरोना वायरस संक्रमित लोगों को जानने और पहचानने में मदद करने वाला था, ये जो आपकी योजना थी। नेक्स्ट आपका मैं बताना चाहूँगा, हिमाचल प्रदेश की जो वर्तमान में जो मुख्यमंत्री यहाँ के आपके हिमाचल प्रदेश के जयराम ठाकुर जी हैं, और वर्तमान में यहाँ के जो आपके राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय जी हैं, और वर्तमान में यहाँ के उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश आपके कौन हैं, लिंगप्पा नारायण स्वामी जी हैं। तो इतने सारे फैक्ट आपके यहाँ से कंप्लीट होते हैं, और कुछ भी चीज़ें हैं वो भी जान लीजिए यहाँ की। देखिए, आपके हरियाणा के मुख्य दो नेशनल पार्क है, पहले आपका फिन वैली है, दूसरा आपका ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये दो आपके नेशनल पार्क, इसे याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आपका, किस राज्य सरकार ने कोरोना का कहर देखते हुए लॉकडाउन को 7 मई तक बढ़ा दिया। देखिए, केंद्र सरकार ने 3 मई तक बढ़ा दिया था, लेकिन एक राज्य ऐसा है जिसने जो है कोरोना वायरस के जो अतिक्रमण को देखते हुए 7 मई तक बढ़ा दिया, ये तेलंगाना सरकार ने। तेलंगाना सरकार ने जो अपना कोरोना वायरस से लड़ने हेतु, उससे बचने हेतु, अपने यहाँ पर लॉकडाउन 7 मई तक बढ़ा दिया है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट मैं बात करना चाहूँगा तेलंगाना। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के किनारे अवस्थित है, तो मोसी नदी के किनारे अवस्थित है। और तेलंगाना जो है आपका, तेलंगाना की राजधानी जो हैदराबाद है, हैदराबाद जो आपका भारत का पहला ब्लॉकचेन जिला बन गया है। ब्लॉकचेन जिला का मतलब क्या होता है, जो चारों ओर से स्थल भाग से घिरा हो, जिसको हम ब्लॉकचेन जिला बोलते हैं। नेक्स्ट आपका है, तेलंगाना में दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर खोला गया है, जहां पर 1 लाख लोगों को प्रशिक्षण दिया जाएगा चिकित्सा का। वहां पर डॉक्टर्स वगैरह को जो होते हैं ना, उनको प्रशिक्षित किया जाएगा, 1 लाख लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रशिक्षित किया जाएगा। 2020 को तेलंगाना सरकार ने नर्सेज एंड मिडवाइफ के रूप में घोषित किया। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। देखिए, नए सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव त्रिपाठी। कपिल देव त्रिपाठी जी को जो है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव के रूप में घोषित किया गया है, उनकी तस्वीर भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये किसका स्थान लिया है इन्होंने, तो इन्होंने लिया संजय कोठारी। संजय कोठारी वर्तमान में क्या है, ये मुख्य सतर्कता आयुक्त हो गए हैं, जिनका स्थान कपिल देव त्रिपाठी जी ने ले लिया है। देखिए, चारों ऑप्शन को मैं क्लियर कराता हूँ। देखिए, आपका अजय भूषण पांडे जो आपके वर्तमान में वित्त सचिव हैं, संजय कोठारी ये आपके मुख्य सतर्कता आयुक्त हैं, और कपिल देव त्रिपाठी आपको मैंने बताया ये अभी हाल ही फिलहाल में कि आपके प्रधानमंत्री राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के जो सचिव बनाए गए हैं, ये 1980 बैच के आसम के IAS रहे हैं। देखिए, अजय कुमार सिंह ये प्रेस सेक्रेटरी के रूप में इन्हें नियुक्त किया गया है। ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हुए। नेक्स्ट इसी में बताना चाहूँगा आपका,
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी को क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान से जो है सम्मानित किया गया है, जिसका नाम है टॉमिस लेव सम्मान जो है आपका क्रोएशिया का सर्वोच्च सम्मान है, जिसको जो है रामनाथ कोविंद जी सम्मानित किया गया जिन्हें। नेक्स्ट आपका है इसी में अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किस न्यायालय में की गई। चार ऑप्शन, किसी एक ऑप्शन चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका तीन के तीनों न्यायालयों यानी उपरोक्त सभी, राइट आंसर हो जाएगा आपका बॉम्बे उच्च न्यायालय में भी आपके हाल ही फिलहाल में न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, मेघालय में भी और उड़ीसा में भी। तो तीनों राज्यों में आपके उच्च न्यायालय की जो सॉरी दोस्तों न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई। न्यायाधीशों की नियुक्ति करता कौन है, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। तो न्यायाधीशों की जो उच्च न्यायालय के उच्च न्यायाधीश होते हैं, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, ये क्लियर कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के देश कोड से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही तीनों व्यक्ति हैं जिनका जो अभी हाल ही फिलहाल में नियुक्ति किया गया है उच्च न्यायालय में। ठीक है मित्रों, राइट आंसर आपका पहले बॉम्बे में किस न्यायाधीश की नियुक्ति की गई, तो दीपकर दत्त जी की जो है नियुक्ति की गई आपके बॉम्बे उच्च न्यायालय। मेघालय उच्च न्यायालय में विश्वनाथ जी की नियुक्ति की गई, और आपकी उड़ीसा उच्च न्यायालय में आपके मोहम्मद रफीक जी की नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, हाल ही में बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए वॉयस बैंकिंग सेवा लॉन्च की है, यानी आवाज़ वाली कोई सुविधा लॉन्च किया गया है, किस बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। ICICI बैंक द्वारा इसने वॉइस बैंकिंग स्टार्ट की है। देखिए जो लोग थोड़े से पढ़े लिखे कम होते हैं या फिर इसके बैंक की तीव्रता यानी गति को तेज करने के लिए वॉइस बैंकिंग, यानी आप अपने बैंक ICICI बैंक से संबंधित किसी भी जानकारी को वॉइस के माध्यम से जान सकते हैं अपने मोबाइल पे ही। देखिए ICICI बैंक की स्थापना 1994 में हुई थी, इसका मुख्यालय आपका मुंबई में, वर्तमान में इसके CEO और MD जो आपके संदीप बख्शी जी हैं। तो इतने मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके मैंने क्लियर कराए जो आपकी परीक्षा दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अधिकांश ICICI बैंक का जो CEO और MD पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट आपका है, हाल ही में BMW इंडिया के नए अध्यक्ष एवं CEO का निधन हो गया है, इनका नाम क्या था। BMW सभी लोग जानते हैं, इसके जो वर्तमान में अध्यक्ष और CEO थे, इनका हाल ही फिलहाल में निधन हुआ है, इनका नाम था आपका रुद्र तेज सिंह इनका नाम था जिनका हाल ही फिलहाल में निधन हो गया है। ये रुद्र तेज सिंह कौन थे, ये फर्स्ट इंडियन थे जो कि आपके BMW के CEO के रूप में इनकी नियुक्ति की गई थी, और ये बहुत गौरव की बात थी कि इन्होंने, ये पहले भारतीय थे जिनको जो है BMW के CEO के रूप में नियुक्त किया गया था। लेकिन बहुत दुख की बात है कि इनकी हाल ही फिलहाल में मृत्यु हो गई, निधन हो गया है। देखिए इसमें तीन ऑप्शन और है, ये लोग भी चल बसे हैं। पहले आपका लाइसोनिया कार से कौन थे, ये फिजी के PM थे, प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिजी लाइसेनिया कार से थे। और सहारे ओरम ये आपके आदिवासी नेता थे जिनका हाल ही फिलहाल में इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट आप आर वी भोसकुट्टे जी, ये स्वतंत्रता सेनानी थे, ये 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में इन्होंने जो है स्वतंत्रता सेनानी के रूप में साथ निभाया था भारत का। नेक्स्ट है आपका, हाल ही में किस आईआईटी द्वारा हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम को विकसित किया गया, क्वेश्चन ये है आपका। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आईआईटी मंडी द्वारा जो है आपका हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम विकसित किया गया। देखिए हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम का मतलब क्या होता है, ऐसी रैम जो कभी भी ख़त्म ना हो, बेकार ना हो। जैसे कभी कभी आप देखते होंगे कि प्राथमिक जो आपका रैम होता है, प्राथमिक मेमोरी लाइट चले जाने के बाद उसमें जितना भी डाटा होता है वो लॉस हो जाता है, लेकिन ये आईआईटी मंडी ने एक ऐसी हाई स्पीड मैग्नेटिक रैम बनाया है जिसके माध्यम से आपकी अगर बिजली चली भी जाती है तो आपका डाटा लॉस नहीं होगा। एक रैम होता है, एक रोम होता है, दो प्रकार की आपकी मेमोरियाँ होती हैं। नेक्स्ट आपका इसी में बताना चाहूँगा आपका आईआईटी रोपड़ ने वर्ल्ड बोर्ड बनाया, और फिर आईआईटी मद्रास ने दुनिया का पहला स्टैंडिंग व्हीलचेयर बनाया, और उसी ने ही आपका आईआईटी मद्रास ने शक्ति कंप्यूटर भी बनाया। नेक्स्ट आईआईटी गांधीनगर ने प्रोजेक्ट इसॉक किसने बनाया, आईआईटी गांधीनगर ने बनाया। तो चारों ऑप्शन को मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब किया, आप समझ सकते हो, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन भी सकते हैं आपके परीक्षा दृष्टिकोण से। नेक्स्ट आपका, देश में ऐसा पहला ग्रीन राज्य निम्न में से कौन सा है जिनमें कोरोना वायरस के मामले ही नहीं है। बहुत आश्चर्यजनक बातें हैं, ये आपका जो स्टेट है गोवा में एक भी व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं है। हालांकि 7 लोग संक्रमित थे, लेकिन वो पूर्णतः
स्वस्थ हो चुके हैं, अब उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं है। तो आपका गोवा, गोवा राज्य की राजधानी आपका पणजी है, और पणजी किस नदी के किनारे अवस्थित है, यह मांडवी नदी के किनारे आपकी पणजी अवस्थित है। और मैं बात करूँगा यहाँ के जो वर्तमान में कौन राज्यपाल है, सत्यपाल मलिक जी हैं। नेक्स्ट आपका केंद्र सरकार में स्थिति का आकलन करने और कोविड 19 के प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए कितने अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया गया, तो 6 टीमों का गठन किया गया है। किसके लिए किया गया है, कोविड 19 के प्रभावी ढंग से रोकथाम के लिए जो आपके अंतर मंत्रालयीय टीमों का गठन किया है गया है। नेक्स्ट कल का जो क्वेश्चन था उसका जवाब है, हाल ही में दिल्ली सरकार ने कौन सा नया मोबाइल ऐप लॉन्च किया था, तो ऐसे कोरोना ये आपका ऐप था। नेक्स्ट आज का जो आपका क्वेश्चन है, किस संगठन ने कोविड 19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया, टीम मास्क फोर्स का गठन कोरोना वायरस जो आपके कोविड 19 के खिलाफ जागरूकता बढ़ाने के लिए टीम मास्क फोर्स का गठन किया गया है, ये किस संस्थान द्वारा गठन किया गया, इसका राइट आंसर बताइएगा। यदि वीडियोस अच्छा लगे तो मेरे वीडियोस को लाइक कीजिएगा और मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को पुश कर लीजिएगा। जय हिंद मित्रों।